सो हाई एवरीवन, आई एम चिनू एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चिनू 2683। सो आज हम पहुंच चुके हैं मनाली में, और इस वीडियो में जो आप देखोगे वो देखोगे आप जो मनाली के ईटिंग पॉइंट्स हैं, चीप एंड बेस्ट ईटिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो चाइनीज ले लो, इटालियन ले लो, एंड आप पंजाबी पराठास भी ले लो। सो इस वीडियो में हम वो सारे कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कि इस वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा अटल टनल की वीडियो। बिकॉज कि जो अभी हम शूट कर रहे हैं वो हम अटल टनल हम क्रॉस कर चुके हैं, साउथ पोर्टल से आप हम आ चुके हैं, और अब हम हैं लाहौल स्पीति वाली साइड पे। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली जर्नी, लेट्स गो। सबसे पहले हमने विजिट किया चॉपस्टिक्स, जो कि मेन मॉल रोड पे ही है। जैसे आप मॉल रोड एंटर करोगे, बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी आपको चॉपस्टिक्स दिख जाएगा। अगर आपने चाइनीज़ तिब्बतन फूड इन्जॉय करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। इसकी जो सीटिंग है, टू सीटिंग्स है, एक तो मेन इनके ग्राउंड फ्लोर पे और एक है टॉप फ्लोर पे। ये सीटिंग है इनकी ग्राउंड फ्लोर की, जो कि बहुत कोजी रहता है, हीटर लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। और अभी टॉप जो रूफ टॉप है वो इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा रेनोवेट करवा रहे हैं। ऑन टॉप रूफ टॉप में भी एक अलग ही व्यू था, मॉर रोड और सामने वैलीज़ का व्यू अल्टीमेट था। यहाँ पे आपको हार्ड ड्रिंक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, अगर आप हार्ड ड्रिंक पीना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सो हम आ चुके हैं चॉपस्टिक्स में, जो कि मॉर रोड पे ही है, और अभी हम बैठे हैं इनके रूफ टॉप पे। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा चल रहा है, नीचे इनकी फुल पैक था। आज पूरा मनाली ही पैक्ड है, बिकॉज इट्स ए क्रिसमस ईव, सो दैट्स व्हाई। सो साथ में ये मॉल रोड है, आप बेस्ट टाइम जो है वो इन्जॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे साथ जो है वो है अनुज फ्रॉम कालका, एंड ही इज योर रैप स्टार, जे स्टार राहुल फ्रॉम नया गाँव। इसका पत्ता कटने वाला है जैसे डिंगरे का कट चुका है। सो ये व्यू है मॉल रोड का, और अभी तो अंधेरा है, लेकिन वो जो सामने जो वैली है, वो जो माउंटेन्स अभी तो नज़र नहीं आ रहे होंगे, लिटिल बिट लाइट्स नज़र आ रही होंगी, वो स्लॉन्ग वैली की वैलीज हैं, और उस पर स्नोफॉल हुई बड़ी है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। यहाँ पे बैठ के अगर आप लंच भी करते हो ना, तो सामने स्नो कैप्ड हिल्स ऑसम व्यू आता है वहाँ पर, ऑसम। कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हुई थी रिगार्डिंग इनकी डिशेज़ कोठे, तो आज हम वो ट्राई करेंगे। साथ में इनका चॉपस्टिक्स, मीन्स कि अगर आप चाइनीज़ फूड लेना चाहते हो, चाइनीज़ फूड इंजॉय करना चाहते हो, तो देन चॉपस्टिक्स में ज़रूर आइएगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर किया था वेज चाउमिन्स, जो कि टेस्टी थे। लिटिल बिट इनका जो टेस्ट था वो इंग्लिश टेस्ट था, स्पाइसी कम थे, लेकिन अगर आप स्पाइसी चाहते हो तो आप बोल भी सकते हो। और इन्होंने डिफरेंट सॉसेस भी रखी होती है यहाँ पे, जिसे आप और भी इसे स्पाइसी कर सकते हो। अगर रेटिंग की बात करें तो हम वेज चाउमिन्स को दे सकते हैं 8 out of 10। सो हमारी जो नेक्स्ट डिश थी वो थी कोठे, जिसकी वजह से हम चॉपस्टिक्स में आए थे। सो कोठे मोमोज, हमने वेज कोठे मंगाए थे। वेज मोमोज थे, हाफ स्टीम थे और हाफ फ्राइड थे, तो अल्टीमेट टेस्ट है। अंदर से फुल ऑन जूसी थे और बाहर से हाफ क्रिस्पी और हाफ स्टीम थे, तो अमेजिंग टेस्ट था इसका। सो इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसको तो 9 out of 10 तो मिलना ही चाहिए। वेज के अलावा इनके पास नॉन वेज की भी बहुत वैराइटीज़ थी, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। और फ़िश भी अल्टीमेट होती है इनके पास, आप वो भी ज़रूर ट्राई करना अगर आप फ़िश पसंद करते हो तो। हमने ट्राई किया 6-in-1 सॉफ्टी, ऐसे बूथ आपको ऑन मॉल रोड काफ़ी मिल जाएंगे, जो कि हर एक रेस्टोरेंट के बाहर होते ही हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मॉल रोड पे। सो आप सॉफ्टी मिस कर ही नहीं सकते यहाँ की। 6-in-1 सॉफ्टी या 6 फ्लेवर्स होते हैं, आप चाहे तो 6 के 6 फ्लेवर्स आप डाल सकते हो, और आप चाहे तो जौन सा आपका मन है, जो आप फ्लेवर लेना चाहते हो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। मोर रोड की जो दो फेमस शॉप है, एक तो है लक्ष्मी टी स्टॉल और दूसरा है चाट कॉर्नर, दोनों ही साथ साथ में है। लक्ष्मी टी स्टॉल तो आपको जाना ही चाहिए, बिकॉज कि इतनी सर्दी में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। और चाट कॉर्नर में आपको पाव भाजी, चाट वगैरह सब आइटम्स मिल जाएंगी, जो कि आप हल्का फुल्का स्नैक्स इंजॉय कर सकते हो।
नाउ दिस इज़ कैनेडा पिज़्ज़ा ऑन मॉल रोड, ना तो आपको मिलेगा डोमिनोज, ना ही मिलेगा आपको पिज़्ज़ा हट। द ओनली वन एंड ओनली वन डेडिकेटेड पिज़्ज़ा शॉप इज़ कैनेडा पिज़्ज़ा ऑन मॉल रोड। हालांकि मैंने ऑल ओवर मनाली में नहीं देखा कहीं पे डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट की कोई फ्रेंचाइजी हो। इनकी सीटिंग कैपेसिटी है नियर अबाउट 20 to 25 persons एंड इनका लाइव किचन है, आप अपने मील्स लाइव प्रिपेयर होते हुए देख सकते हो। वी हैव ऑर्डर्ड फार्म हाउस पिज़्ज़ा, सो इट्स गुड, टेस्ट गुड था इसका, अच्छा था, बट अगर हम कंपैरिजन करेंगे डोमिनोज और पिज़्ज़ा से तो वैसा टेस्ट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऑन मोर रोड अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो तो दिस इज़ द गुड प्लेस। इनके पास फुल वराइटीज़ है वेज एंड नॉन वेज पिज़्ज़ाज़ की, देन आप गार्लिक ब्रेड भी ले सकते हो, स्मूथीज, शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद पास्ता, जो भी आप एक पिज़्ज़ा शॉप से एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अगर हम अपनी बात करें तो टेस्टफुल हमें जो पिज़्ज़ा से ज़्यादा वो हमें गार्लिक ब्रेड ज़्यादा टेस्टी लगी थी। हमने ऑर्डर की थी चीज़ी स्पाइसी गार्लिक ब्रेड, सो टेस्ट वाइज इट्स गुड। ऑन मॉल रोड आफ्टर डिनर आप इंजॉय कर सकते हो मीठा पान और गरम गुलाब जामुन। ऑन रोड साइड स्ट्रीट फूड है ये मनाली मॉल रोड का, रोड साइड आपको काफ़ी हॉकर्स मिलेंगे जिनसे आप गरम गुलाब जामुन और मीठा पान इंजॉय कर सकते हो। ये देखिए ये दोनों भाई बिछड़े हुए हैं कुंभ के मेले में। इन्होंने स्पेशल रखा है कि अगर घूम जाए तो बता देना ब्लैक शूज़ है और ब्लू जीन्स है, क्योंकि आज तो मेला ही लगा हुआ है यहाँ पे। एट लास्ट मैं स्टूडेंट्स के लिए और उन पर्सन्स के लिए जिनका हमारा जैसा बजट लो होता है ट्रैवलिंग का, तो उनके लिए मैं एक ढाबा ज़रूर फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे आपको टेस्ट भी अच्छा मिले और अंडर बजट भी हो। तो ये है अंशु ढाबा जो कि बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है। ये एक टिपिकली ढाबा है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज आपको बहुत मिलेगा। हमने यहाँ पे किया था सुबह का ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट वाइज इट्स गुड, टेस्टी था, आलू का परांठा, गोभी का परांठा एंड विद अमूल मक्खन और चाय। इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, नियर अबाउट आप 6-7 बंदे बैठ सकते हो, 2 टेबल्स इन्होंने लगाई हुई हैं, और आप यहाँ से लंच भी कर सकते हो और डिनर भी कर सकते हो। बट आई प्रेफर कि यहाँ पे जो है वेज और नॉन वेज की दोनों वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड है कि आपने वेज खाना है तो वेज आप ले सकते हो, नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड टू प्रेफर वेज। ये थी हमारी वीडियो ऑन द मनाली ईटिंग पॉइंट्स। सो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ये विजुअल्स आप देख रहे हो अटल टनल की, जो कि पहले से ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, आप वो भी देख सकते हो। वहाँ पे आप इंजॉय करोगे अटल टनल, और अटल टनल क्रॉस करने के बाद स्नो कैप्ड हिल्स विद रिवर, ऑसम व्यू था। वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सुलांग वैली में क्या एक्टिविटीज़ है, वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो उसका जो लिंक है वो मैं एट द लास्ट ऑफ द वीडियो ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो भी वीडियो इंजॉय कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।